हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो काफ़ी समय बाद एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के स्टूडियो पर यहाँ पर बात करने वाले हैं जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल के बारे में। अगर आपने भी इसमें अप्लाई किया होगा और अलॉटमेंट मिला होगा तो आपका बेसब्री से इंतज़ार होगा कि कब इसका लिस्टिंग यहाँ पर हो IPO का, और अच्छा खासा यहाँ पर लिस्टिंग के इसमें मिले। तो मैं आपको बता दूँ कि इस IPO जो है, ये एक मेन बोर्ड IPO है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका यहाँ पर 6 से 8 तारीख के बीच में ये ओपन था और कल इसका यहाँ पर इसका लिस्टिंग है। आप यहाँ देख सकते हैं 18 सितंबर के दिन इसका यहाँ पर आप लिस्टिंग है, कल मंडे को। और इसका यहाँ पर अपन GMP की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो GMP चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टॉप शेयर खान की, टॉप शेयर ब्रोकर की जो वेबसाइट है, यहाँ पर इस पर आप देख सकते हैं 233 रुपीज़ का यहाँ पर इसका GMP चल रहा है आज की डेट में। और अपन यहाँ पर बात करें एक लॉट की, तो एक लॉट में जो आपको नंबर ऑफ शेयर मिलने वाले हैं वो है 20। तो एक लॉट में आपको यहाँ पर 20 शेयर मिलने वाले हैं, और पर लॉट जो GMP चल रहा है यहाँ पर शेयर, सॉरी, 233 रुपीज़ का यहाँ पर GMP चल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर अपन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो 20 इंटू अगर आप करते हैं यहाँ पर 233, तो टोटल प्रॉफिट आपको मिलने वाला है 4660 का। तो ये टेंटेटिव प्रॉफिट है, आज के GMP के हिसाब से आपको इतना प्रॉफिट मिल सकता है। हो सकता है कल जब यहाँ पर IPO ओपन हो तो इसका प्राइस यहाँ पर जो GMP यहाँ पर 233 से बढ़कर 250 भी जा सकता है। तो जैसे कि अगर अपने यहाँ प्राइस देखें तो 968 के ऊपर यहाँ पर लिस्टिंग होगा, ये 735 का प्राइस है और 233 का GMP चल रहा है। तो अगर इसका GMP बढ़ता है तो यहाँ पर ये 1000 के ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पर 1000 रुपीज़ का जो है यहाँ पर एक अपसाइड का अपन मान सकते हैं कि ये अपसाइड का यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पर, तो वहाँ पे जाने के बाद वापस नीचे आ सकता है। तो अगर अपसाइड में जाता है ये 1000 रुपीज़ के आसपास, तो वहाँ पर भी आप इसको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और वैसे इसके यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए लिस्टिंग के बाद, तो मेरी स्ट्रेटजी तो मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि अगर ये फर्स्ट के 2-3 कैंडल का ग्रीन बनाता है लिस्टिंग के बाद में, तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए जब तक ये रेड कैंडल नहीं बनाए। तो हो सकता है 31% जो आपको दिखा रहा है यहाँ पर प्रीमियम, ये 31% से आपको यहाँ पर 50% तक का भी यहाँ पर इसमें गेन मिल सकता है। अगर शुरू में ही अगर ये रेड कैंडल बनना स्टार्ट कर देता है शुरू के 1-2 मिनट में, तो फिर आपको इसको होल्ड नहीं करना है, फिर आपको तुरंत इसको एग्जिट कर देना है। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए आप अप्लाई किया है, खाली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, तो फिर इसको आपको होल्ड नहीं करना है। अगर आपका इसमें मोटिव लॉन्ग टर्म का है तो ज़रूर आप इसमें बने रह सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने खाली इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, तो मेरे हिसाब से अगर जैसे इसमें रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुए बैक टू बैक 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आपको इसको एग्जिट कर देना है। अगर ग्रीन कैंडल बनते हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल के टाइम पर इसका 233 के आसपास का GMP चल रहा है। और भी वेबसाइट पर अपन इसका GMP चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। हो सकता है कि अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग GMP होता है हमेशा। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं IPO आज की वेबसाइट पर, और 5paisa.com इसकी वेबसाइट पर चेक कर लेते हैं। इसके अलावा टॉप शेयर ब्रोकर की वेबसाइट पर अपन चेक कर ही लिया है ऑलरेडी। इसके बाद 1-2 वेबसाइट पर अपन और देख लेते हैं इसका क्या GMP यहाँ पर चल रहा है, तो अपने को एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि GMP के रेंज क्या है। IPO बाजार की वेबसाइट पर अपन चेक कर लेते हैं एक, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैंने ओपन किया है 5paisa.com, इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर GMP देखेंगे आज का, तो 230 रुपीज़ का GMP चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं जो कि पुराना है, अपडेटेड नहीं है, 15 तारीख का ही दिखा रहा है इसमें 230 रुपीज़ का GMP। इसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पर IPO आज की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करते हैं इसका GMP आज के डेट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 14 सितंबर के बाद अपडेट हुआ नहीं है, 2 डे इन्होंने करके रखा, लेकिन ये 250 रुपीज़ का GMP दिखा रहा है यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से। लेकिन ये 14 सितंबर के बाद यहाँ पर कुछ अपडेट है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि 250 का ये अपडेटेड GMP है, लेकिन इनके हिसाब से ये 250 का GMP इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है अभी की डेट में। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर एक और वेबसाइट है अपने पास, IPO बाजार की वेबसाइट, और इस पर आप देखेंगे यहाँ पर आज का GMP, तो इस पर आप देख सकते हैं 232 से 235 के बीच का दिखा रहा है, और 17 सितंबर आज का ही अपडेटेड GMP है ये। तो अपन देखते हैं तो इसका एवरेज जो GMP निकल के आ रहा है वो 230 से 235 के बीच का ही निकल के आ रहा है। तो मोटा मोटे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि 233 का इसका GMP है, जो कि 31% के आसपास आपको इसमें रिटर्न दे सकता है, जो कि एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न है। आपको 4500 के आसपास का इसमें प्रॉफिट हो सकता है आज के GMP के हिसाब से, और अगर कल बढ़ता है तो आपको उसको 5000 के ऊपर भी आपको प्रॉफिट जा सकता है पर लोड पर। तो उम्मीद करते हैं इस IPO की अच्छी खासी लिस्टिंग हो और आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाएँ।
अगर आपको भी आईपीओ अलॉटमेंट हुआ है, कितना आईपीओ अलॉटमेंट लगे हैं इस जुपिटर लाइफ हॉस्पिटल में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल जब मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा तभी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के इसका अपडेट दे दूंगा कि मैंने किस प्राइस पे इसको सेल किया है, क्योंकि एक लॉट ये मेरे को मिला है। तो जिस भी प्राइस पे मैं इसको सेल करूँगा मैं आपको तुरंत ही इसको यूट्यूब चैनल पर अपडेट करूँगा इसका। और तब तक के लिए बने रहिएगा, धन्यवाद।